16 अक्टूबर 2024 को सागर पुलिस ने स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्किंग स्थल ग्राम सुहागपुर से एक आरोपी को 2 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा और एक मोटरसाइकिल के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह के निर्देशों का पालन करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना सागर की टीम ने यह कार्यवाही की। थाना सागर को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपनी हीरो डिलक्स मोटरसाइकिल से अवैध रूप से गांजा बेचने और सप्लाई करने का काम कर रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही की और आरोपी राहुल पिता परसराम सिंगारे निवासी ग्राम काछी कुआ थाना महेश्वर जिला खरगोन को 2 किलो अवैध गांजे और डिलक्स मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की यह कार्यवाही अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस घटना से स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाएगा। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल